गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स में दूसरा क्लास है ये आपका। इसमें टॉपिक्स है आपका रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। देखिएगा, फर्स्ट हम एक ऐसा रेशनल नंबर लेते हैं जिस तरह आप इंटीजर्स में देखे हैं, किसी भी इंटीजर्स को, हॉल नंबर्स को, नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। अगर ये नंबर लाइन है 1, 2, 3, 4 और इस तरफ है -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये जो एक नंबर लाइन है इस पे हम लोग 6 और 7 क्लास में, आप पहले नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे, उसके बाद इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से राइट साइड में होता है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है इंटीजर्स में, आप कहीं भी -2, -1, 2 कोई भी नंबर्स आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ है जब आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो एक हम इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं रेशनल नंबर्स। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 बाई 3, 2 बाई 3 तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ना होगा, तो हम ये जो वैल्यू है, ये जो रेशनल है, एक्चुअली में इसका वैल्यू क्या है, अगर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 2, 3 जा, तो सबसे पहले हम 0 टाइम्स करेंगे, 0, 2 डेसिमल देंगे, 0, 20, 3, 3 9 या 3 से 3 6 जा 18, तो 0.62 होगा, फिर 6 होगा, इस तरीके से जाएगा। तो 2 बाई 3 का जो वैल्यू आया 0.66, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा। तो अगर किसी का कंप्लीट या डेसिमल जो है आपका 0.6, इससे आपको ये सिर्फ पता चलना है कि आप ये जो वैल्यू है, ये जो रेशनल है, क्या ये 0, 2 नेचुरल नंबर या हॉल नंबर के बीच है, यानी किस 2 नेचुरल नंबर के बीच है। तो 0.6 हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, बिटवीन, इसी दोनों के अंदर में कहीं भी होगा। अगर यहाँ पे रहता आपको ज़्यादा कोई नंबर 1.5, तो 1.5 ये क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं भी नंबर्स होगा। तो हॉल नंबर किस 2 हॉल नंबर के बीच में ये रेशनल नंबर है, इसको हमको निकालने के लिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं इसका वैल्यू। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि जब आप रेशनल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें देखा गया कि 2.3 0 और 1 के बीच में होगा, तो हम सिर्फ 0 और 1 एक हम ले लिए, 0 और 1, 0 और 1 हॉल नंबर्स ले लिए, इसी के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है 2 बाई 3। तो 2 बाई 3 के लिए आप जब स्टार्ट करते हैं, तो हम इसमें 3 पार्ट्स में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उतना पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 0 और 1 को। तो 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये हो गया 1 बाई 3, ये हो गया 2 बाई 3, और इसी को बोला जाता है 3 बाई 3 इक्वल टू 1। देखिएगा, तो इस 2 बाई 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या किए, 0 और 1 का बीच का वैल्यू सब लिख लिए। इसमें से आपको ये इसको जो हम लिखे हैं 0 और 1, अब इसमें से आपको रिप्रेजेंट किसके बारे में करना है, 2 बाई 3। देखिए 1 बाई 3, 2 बाई 3, ये चीज़ को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से हम 2 बाई 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कोई निगेटिव रेशनल नंबर, यहाँ पॉजिटिव रेशनल नंबर था, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे टाइप से भी हम कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसके बाद बताएंगे। इसमें हम देखते हैं कि दूसरा, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को, रेशनल नंबर को ही लेते हैं, तो इसी का अगर -2 बाई 3 को रिप्रेजेंट करना हो, -2 बाई 3 को रिप्रेजेंट करना हो रेशनल नंबर पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी वैल्यू जो होगा 1 और 2, -1 और 0 के बीच में इसका वैल्यू होगा, तो हम 0 और -1 इसके बीच में ही इस नंबर्स को -2 बाई 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे फर्स्ट जो होगा -1 बाई 3, सेकेंड जो होगा -2 बाई 3, और थर्ड जो होता है -3 बाई 3 इक्वल टू -1 होता है।
अब इसमें से -1/-2/3 क्या है, ये नंबर से आपका, तो रिप्रेजेंटेटिव इसमें हम ये शो कर सकते हैं -2/3। इस तरीके से हम नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं एक और, इसमें अलग दूसरे टाइप से अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे तो उसमें क्या करते हैं, जब आप कोई एक ऐसा नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 4/, या यहाँ पे दिया हुआ 7/3, ऐसा कुछ रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सिंपल अगर इसको करना चाहें तो बस हम बहुत आसान तरीके से भी करके देख सकते हैं। पहले तो आप उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इसको 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा 2 point something आएगा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले जो बताया उस तरीके से हो सकता है। दूसरा अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जितना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे और जितना न्यूमरेटर है उतना सेक्टर में इसको बांट दिया जाएगा। जैसे इसको लिखेंगे 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6/3 और 7/3, ये सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 = 1, यानी 0 से 1 ये हो गया, फिर 6/3 ये 2 हो गया, और आगे आपका 3 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसमें से आपका जो नंबर्स है ये 2 से आगे है, 2 something, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/3, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1/3, 1/3, 2:1/3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख लिए। अब ये 2 whole number या 2 integers के बाद 0 से 1, 1 से 2, 2 के बाद 1/3 इसको डिनोट करना है, 2 और 3 के बीच में आपका 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे इसके जगह पे अगर -7/3 एक रेशनल नंबर दिया गया है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव अगर दिया हुआ रेशनल नंबर तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको भी हम इसी तरीके से -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये आपका -7/3, तो ये रिप्रेजेंट कर दिए। और इसमें आपको अगर पूछा जाए ये जो डेसिमल नंबर है किस 2 integers या 2 negative integers के बीच में है, तो आप देखिए यहाँ 3/3 को 1 लिख सकते हैं, 6/3 को क्या -2 लिख सकते हैं, और नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा -3, यानी -3 और -2 के बीच में ये है 7/3। इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 rational numbers, 2 rational number के बीच आप रेशनल नंबर अगर लिखने के लिए दिया जाए, राइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 rational numbers या 5 rational number, राइट 5 rational number, 4 rational number, आप 2 numbers के बीच में, जैसे आप लोग पढ़े थे आप 2 integers या 2 ऐसे लिखा हुआ 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए 5 और 9 के बीच में आप 2 rational numbers लिखिए तो क्या लिखिएगा, 6, 7, 8 ये सब नंबर हो गया। आपको अगर पूछा जाए फ्रैक्शन नेगेटिव में कि -2 और -4 के बीच 2 integers, negative integers को लिखिए तो क्या करिएगा, -3 लिख सकते हैं। इस तरह से -4 और -8 के बीच में 2 negative integers को लिखिए तो -6 लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से आपको इसमें क्या करना है, जो कहा गया आपका 2 rational number अगर आपको दिया गया जाए
और उस दोनों रेशनल नंबर के बीच में से आपको एक रेशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल्स दिया हुआ है -2/3, सॉरी अभी पहले आप रेशनल नंबर देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर 2/3, और यहाँ पे दिया जाए आपके पास 7/4, दो रेशनल नंबर आपके पास है। इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर लिखना है। ये भी दो तरीके से आपको हम बताएंगे। फर्स्ट है आपका, सबसे पहले हम इस तरह का जब दोनों रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो इसमें से हम चेक करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सबसे पहले इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसके लिए अगर करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए, जितना आएगा उससे इसका फैक्टर हो जाता है। यानी 4 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4, तो ये 12 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके लिए आप करेंगे तो 7/4 में अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाता है, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो नंबर्स मिलेगा 8/12 और इसका जो नंबर्स मिला 21/12, इससे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच में 8/12 से लेकर 21/12, इस दोनों के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे इसको हम 9/12 लिख सकते हैं, 10/12 लिख सकते हैं, 11/12 लिख सकते हैं, 12/12 लिख सकते हैं, ये सब नंबर्स हो सकते हैं आप आगे। और इस तरीके से आप 13/12 लिख सकते हैं, 14/12 लिख सकते हैं। ये सारा जो नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है, वो इस दोनों के बीच का है। आपको 5, 4, 3 जितना भी रेशनल नंबर लिखना होगा आप इसे लिख सकते हैं। अब एक्चुअली में अगर दोनों रेशनल नंबर्स बहुत नजदीक दिया हुआ रहता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपका दूसरा अगर दे दिया गया है, दो रेशनल नंबर दे दिया गया है 5/6 और 5/3, ऐसा कुछ नंबर्स दिया गया है, तो आप इसमें से रेशनल नंबर निकालना है। इसमें क्या कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कीजिएगा, इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 5 × 3 15/18 और 5 × 6 30/18। डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो जाए तो आप 15 और 30 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स आएंगे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कम ही रहा, जैसे 15 और यहाँ 16 बाई कुछ आ गया, तो एक ही है, उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर, दोनों को हम कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसमें निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव दो रेशनल नंबर लिए और उसके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो देखिए -3/5 एंड -3/4 दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स है, इसके बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना हो आप तो क्या कीजिएगा, सिंपल, हम अब सबसे सिंपल है, ऐसे तो एक और इसका रूल्स है, आप क्या करते हैं आगे चल के पढ़ेंगे, दोनों रेशनल नंबर्स को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, या इसमें ए और बी दो रेशनल नंबर है, a+b/2 = c, ये एक तीसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा। ए और बी क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर, जैसे -3/5 + -3/4 / 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो एक रेशनल नंबर निकलेगा वो इस दोनों के बीच होगा। फिर नेक्स्ट अगर निकालना होगा तो निकालेंगे b+c, ये जो है c/2 = d, ये जो नंबर आएगा ये भी इसी के बीच का रेशनल नंबर आएगा। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा इवेल्युएशन करना पड़ता है, इसमें इसको इवेल्युएट करना पड़ता है और इस तरीके से निकल जाता है। हम अभी सिंपल ये समझ रहे हैं कि दोनों का हम डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो दोनों का डिनोमिनेटर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से और इसका 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे जो मिला हमको -12/20 और इससे जो मिला है -15/20, -12/20 और -15/20
20। ये दो नंबर्स आपका रेशनल नंबर्स है, इस दोनों के बीच जैसे ही डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो इस दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर्स है, जो भी है -13/20 हो गया, -14/20 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, कोई लिमिट है क्या? तो आप इसमें से लिमिट नहीं कर सकते हैं, इसको आप जितना फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है। दो रेशनल नंबर के बीच नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। इसको हम काउंट, जैसे दो नंबर्स के बीच में अगर आपको बोला जाए 1 और 2 के बीच में कितना इंटीजर्स हो सकता है, दो इंटीजर्स, तो 1.1, 1.01, 1.001 इस तरीके से हम लोग जानते थे। यहाँ भी होगा, आप इस दोनों के बीच में जितना से मल्टीप्लाई करते जाइएगा रेशनल नंबर उतना ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन में आप उसको निकाल सकते हैं, वैल्यू उसका छोटा हो जाता है इस तरीके से। हम नेक्स्ट है, अगर आपको बोला जाए कि -3 और 0, 0 भी एक रेशनल नंबर है, इस दोनों के बीच रेशनल नंबर्स आपको बताना है दो या दो से ज़्यादा, या आपसे 5 पूछा जाए, राइट 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 0, -3 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना। एक्चुअली मैं अभी आप देखिएगा तो पता चला कि इसके दोनों बीच में -2 है, -1 है, उसके बाद 0, दो ही रेशनल नंबर आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इसको हम बनाते हैं तो -3 को हम लिख सकते हैं -1, -3/1, और 0 को लिख सकते हैं 0/1। इस दोनों को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, रेशनल के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसमें नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर 5 निकालना है, यहाँ आपको दो ही रेशनल नंबर दिख रहा था, इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा नंबर से एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों फ्रैक्शन में कि वो एक बड़ा नंबर बन जाए। जैसे यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी सभी में इसमें 5 से, दोनों रेशनल नंबर में हम 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। इससे जो मिला है -15/5, और ये क्या मिला, 0 × 5, 0/5। देखिएगा ये दोनों भी वही रेशनल नंबर है, सिर्फ उसका वैल्यू हम बड़ा कर लिए। जब आप फ्रैक्शन में पढ़ते थे किसी नंबर का लीस्ट वैल्यू ये हो गया, उसका ये ग्रेटर करके हम उस तरह लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। आप -3/1 बोलिए या -15/5 बोलिए, तो इस दोनों के बीच बताइए। अब ये आप लिख सकते हैं -14/5, -13/5, -12/5, -11/5, -10/5, इस तरह से कितना नंबर्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर, 5 आपको लिखना है, 5 कहीं से भी लिख दिए। इसीलिए हम बोला गया कि इसमें दो रेशनल नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो उसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्लास एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा, चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें रेशनल नंबर का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट किया जाएगा।